टिकटॉक कोई भी ऐप है ना, ये सारे कंजर हन है। पाकिस्तान में सारी अवाम इसी काम में लगी हुई है। दीन की तरफ किसी की तरजीह नहीं है, कोई नमाज कुरान पाक हर चीज पढ़े, मस्जिद में जाए, इबादत करे। इस टिकटॉक ने जो तबाही फेरी हमारे माशरे में वो बहुत है, मतलब उसमें इजाफा होता जा रहा है और हमारी जो नौजवान नस्ल है वो पढ़ाई से हट के इसी तौर में जा रही है। देखें, मैं टिकटॉक के बारे में यही कहूँगा कि ये मुआशरे में जो है ना बुराई फैलाई जा रही है, इसमें गंदी चीज़ें फाशी चीज़ें आ रही हैं और इसको हर तरह के लोग देख रहे हैं, बच्चे भी देखते हैं, बड़े देख रहे हैं, बूढ़े देख रहे हैं। मेरे ख्याल में इस पर जो है पाबंदी होनी चाहिए। मैन शो के साथ हाजिर हूँ। हर कोई टिकटॉकर बनना चाहता है, हर किसी का यही सपना है कि मैं वड्डा होवांगा तो टिकटॉकर बनांगा। कुछ वड्डे खोते भी यही चाहते ने कि टिकटॉकर ही बनना। इस रेस में सभी शामिल हैं, बच्चे, बूढ़े, बाबे, आंटियां, लड़कियां, सारे ही। तो जैसे टिकटॉक यूज करके इन्होंने कोई बैरिया च प्लाट लग जाना या डीएचए च प्लाट लग जाना या इन्होंने कोई मंथली इनकम आनी, कुछ नहीं लगता, छनकना लगना। लड़कियां भी जो है वो कंजर खाने में एक्सपर्ट हो रही है और कंजर खाना फिला रही, कुछ नहीं पैसे और टाइम का ज्या है, लोग पागल हुए पड़े हैं टिकटॉक के पीछे। तो बात करते हैं लोगों से इस कंजर खाने के बारे में कि वो क्या कहते हैं। हर कोई चाहता है टिकटॉकर बनना, अवाम जो है वो टिकटॉक के पीछे पागल है। तो आप इस टिकटॉक के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो बहुत बड़ा कंजर खाना है? टिकटॉक कोई भी ऐप है ना, ये सारे कंजर खाना है। पाकिस्तान में सारी अवाम इसी काम में लगी हुई है। दीन की तरफ किसी की तरजीह नहीं है, कोई नमाज कुरान पाक हर चीज पढ़े, मस्जिद में जाए, इबादत करें। ये लोग सब टिकटॉक में, स्नैक में इसी काम में लगे हुए हैं। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे और इन कामों से दूर करें। लड़कियां भी हैं इस मिशन पे गामजन है, उनका भी यही मिशन है कि हमने टिकटॉकर बनना है। तो ये हम जवाल की तरफ नहीं जा रहे कि उधर टिकटॉक पे है जो डुम्पा डुम्पा डिस्कें डिस्कें तो शीला की जवानी वाला डांस और बाहर जो है पर्दे में भी निकलती नहीं है, निकलना क्या है, इन्होंने जो फांसी फैला रही है। तो ये किस तरफ जा रहे हैं हम? ऐसे ही है, जवाल की तरफ है। जब हमने नमाज कुरान पाक नहीं पढ़ना, दीन की तरफ हमारा ध्यान नहीं आना, हमने किसी को नमाज के लिए नहीं लेके जाना, तो लोग इसी काम में मुबतला है। हर बंदा ही रो रहा है, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान का हाल ही ऐसा किया हुआ इन्होंने कि मैं क्या बताऊं कि खाने के लिए कुछ नहीं है। ये बेबरकती है, हर घर में ये इशू है, केबल नेट हर घर में सरेआम है। और अब टिकटॉक, टिकटॉक तो वो तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है ना। आजकल जो साल दो साल का बच्चा है मोबाइल घर वाले दे देते हैं यूज करें, और बहुत अच्छी तरबियत कर रहे हैं अपने बच्चों की, गलत बात है ये। आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि बेबरकती है, ये कंजर खाने जब यूज करेंगे तो बेबरकती तो होनी है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, यही चोरियां डकैतियां आम है, लोग लूट रहे हैं, पाकिस्तान का ये हाल है, चोरियां डकैतियां दिन दिन दिहाड़े काम डर रहे हैं। तो बस यही अर्ज है कि यार नमाज की तरफ आओ, कुरान पाक की तरफ आओ, दीन की तरफ आओ और ये सारे काम छोड़ दो। आजकल सबका यही मिशन है टिकटॉकर बनना, पर जो लोग टिकटॉकर बनना चाहते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, मैं टिकटॉक के बारे में यही कहूँगा कि ये मुआशरे में जो है ना बुराई फैलाई जा रही है, इसमें गंदी चीज़ें फाशी चीज़ें आ रही हैं और इसको हर तरह के लोग देख रहे हैं, बच्चे भी देखते हैं, बड़े देख रहे हैं, बूढ़े देख रहे हैं। मेरे ख्याल में इस पर जो है पाबंदी होनी चाहिए। और ये कंजर खाना ही शुरू हुआ पड़ा, लड़कियाँ जो है वो भी डांस करती हैं, आके मुजरे कर रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स के लिए, गानों पर जो है लिपसिंग कर रही हैं, फहाशी फैला रही हैं, और बच्चे, बूढ़े, बाबे, चाचे सारे इसी मिशन पे हैं। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज मैं यही कहना चाहूंगा कि इस चीज से दूर रहें और ज्यादा से ज्यादा जो इस्लामी चीजें हैं या हमारे कल्चर के ये चीजें देखें, इसमें टाइम वेस्ट ना करें। मैं टिकटॉक का यही कहूंगा, ये पैसे और टाइम का जो है ना ज़िया है, इसमें फोकस ना करें, अपनी स्टडी पे फोकस करें और अपने कीमती वक्त को इस चीज में जो है ना वेस्ट ना करें, क्योंकि ये मदहोश करने वाली ऐप है, एक बहुत बड़ा ट्रैप है गैर मुस्लिम की तरफ से, और लोगों को मदहोश करके बस इन्हीं कामों में लगाना और इस्लाम से दूर करना। जी बिल्कुल। टिकटॉक यूज़ करते हो? नहीं। बहुत अच्छा करते हो, नहीं यूज़ करते। तो आप टिकटॉक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? असल में जाहिर है कि इस दौर में बहुत फितनों का दौर है, मतलब फितनों का दौर चल रहा है और जाहिर है उसमें एक और फितना भी एंटर होना है टिकटॉक जैसा। और इस टिकटॉक ने जो तबाही फेरी हमारे माशरे में वो बहुत है, मतलब उसमें इजाफा होता जा रहा है और हमारी जो नौजवान नस्ल है वो पढ़ाई से हट के इसी तौर में ही जाती जा रही है, और जहाँ पढ़ाई हो भी रही है वहाँ पर भी टिकटॉक चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, लड़कियाँ भी डांस कर रही हैं, बाबों का भी यही हाल है, बच्चों का भी यही हाल है, बस इन्होंने टिकटॉकर बनना है। और बंदा पूछे टिकटॉकर बन के इन्होंने कोई इनकम आ जानी है या इन्होंने कोई मरीख पे पहुंच जाना है? ये सारा कंजर खाना जो है इसको फॉलो कर रहे हैं, बस फॉलोवर हासिल करने के लिए इतना गंद फैला रहे हैं। तो इन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो है लोग ऐसा कर रहे हैं? जाहिर है इनकम तो आ रही है, क्योंकि शैतान ने किसी तरह से तो अपने जाल में फंसाना है, तो कुछ वो आजमाइशें नहीं डालेगा, लेकिन वो किसी कुछ
खींचेगा अपनी तरफ, तो उसके लिए वो इनकम तो डालेगा, लेकिन वो वहाँ पर अच्छी अच्छी चीजें डालेगा ताकि वो खींचे लोगों को, और जाहिर है हमारी जो कुन जहन जो आवाम है वो खींच रही है उसकी तरफ। ये बड़ी अच्छी बात की किश्तान ने जो है वो अट्रैक्ट तो लाजमी करना किसी ना किसी तरीके से। जी जी बिल्कुल, अट्रैक्ट तो करना है और वो कर रहे हैं और वो करता रहेगा। बस एक बात है कि जो इस दौर में अल्लाह ताला से करीब हो जाएगा वही बच सकता है इस फितने के दौर से। बेशक अल्लाह ताला के करीब होना चाहिए और इस तरह के कंजर खाने से बाज रहना चाहिए, क्योंकि जो भी इस कंजर खाने को फॉलो कर रहा है उसका यही मिशन है कि मैंने बहुत बड़ा कंजर ही बनना है, क्योंकि ये कंजरों का प्लेटफॉर्म है। जी बिल्कुल, कंजरों का प्लेटफॉर्म है, और अगर कोई ये चाहता है कि वो इस दौर में आके कंजर बने तो वो टिकटॉक भी है जाए। लो जी, आपने लोगों के व्यूज सुने इस टिकटॉक यानी कि कंजर खाने के बारे में, उन्होंने तरह तरह के व्यूज दिए और अपने व्यूज में उन्होंने यही कहा कि इसको बंद ही होना चाहिए। तो ये था आज का शो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर एक नए शो के साथ हाजिर होंगे। टिल देन खुश रहें अपने खर्चे पे।